सो गाइज वेलकम बैक यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड सारी बातें इस चैप्टर में होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि वीडियो के लेक्चर सीरीज सेकेंड के अंदर वो वीडियो लेक्चर सीरीज आगे जा रही है। और अगर आपको डिटेल डिस्कशन के हिसाब से नोट्स चैप्टर वाइज जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो हमारे ऐप पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहाँ ज़रूर जाके विजिट करिएगा। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होनी है, पर हमें एक्चुअली फ्रांस में जो क्रांति हुई थी हमें वो जानना ज़रूरी है कि बैकएंड की हिस्ट्री क्या चल रही थी, मतलब ऐसा क्या रीज़न हुआ था जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर पूरे के पूरे लोगों ने क्रांति कर दी। और क्रांति करने के बाद ये कहा कि भैया राजा अब आपकी नहीं चलने वाली है, देश में डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से फैक्टर बहुत सारे मैटर करते हैं और वो फैक्टर ही जानने हमारे ज़रूरी थे। 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई थी और यहाँ पे क्रांति 1789 के अंदर हुई थी। तो कोई भी रेवोल्यूशन होता है ना, रेवोल्यूशन देखो लड़ाई झगड़ा एक तरफ होता है, वो कुछ समय के लिए क्या कहते हैं होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों रेवोल्यूशन जो होता है ना, रेवोल्यूशन उसको होने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। इसीलिए 14 जुलाई 1789 ये क्रांति की वो डेट थी जिसके पीछे काफ़ी लंबे समय से खिचड़ी पक रही थी। और जो खिचड़ी पक रही थी ना, उसी को ही यहाँ पे फैक्टर या मैं कह सकता हूँ रिस्पॉन्सिबल रीज़न बोले गए फ्रांस की क्रांति के। एक एक करके डीपली समझने की कोशिश करते हैं। पूरे चैप्टर की मेन थीम यही है, अगर आप ये समझ गए तो फिर आप पूरा चैप्टर समझ गए। क्या है, सबसे पहले पॉलिटिकल इफेक्ट देखते हैं, पॉलिटिकल रीज़न देखते हैं। लुई 16 आपको दिखाई दे रहा होगा, किंग ऑफ फ्रांस, शक्ल देख लीजिए बड़ी प्यारी सी है। ये पूरी तरीके से 10 मई 1774 के अंदर पावर के अंदर आते हैं। और ये इनकी वाइफ जब वो 20 साल के थे तो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी गेट, कितनी ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी हमेशा लड़कियों के पास होती है। और यहाँ पे सेम यही चीज़ हमें फ्रांस में भी देखने को मिली, 20 साल का बच्चा जो फ्रांस का राजा बन जाता है और उसकी शादी कर दी जाती है एक ऑस्ट्रेलिया की रानी से। तो राजा तो रानी से शादी करेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भैया अगर आप देखो तो लुई 16 पावर में तो आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनके पिताजी ने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के अंदर 13 कॉलोनी स्टैब्लिश करने में बहुत सारा पैसा खर्च किया था और उसकी वजह से उन्हें लोन लेना पड़ गया था। ये आपने वीडियो लेक्चर इसके पहले पार्ट में देखा था, अगर लोन लेना पड़ गया 2 बिलियन लिब्रे अगर उन्हें लोन लेना पड़ गया ब्रिटेन की कंपनी से या ब्रिटेन के देश से, तो भैया वो पैसा कौन भरेगा, फ्रांस के लोगों को ही भरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो ये फ्रांस ने पैसा पूरी तरीके से कर्जे के रूप में लिया, तो आने वाली जनता को ही अपनी तिजोरी खाली कर करके पैसा देना पड़ गया। तो ये सबसे बुरी बात थी फ्रांस में, जिसका हम क्या फैक्टर बोलते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर बोलते हैं। अगर राजा इतना काबिल होता और राजा जनता के वोटों के द्वारा चुन के आता तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम पीरियड पर डेमोक्रेसी थी, जनता के द्वारा चुना हुआ नेता ही देश को चला रहा है, जो फ्रांस में नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे लुईस 14 लुईस 15 का बेटा था, इसीलिए सॉरी लुईस 16 को राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि वो लुईस 15 का बेटा था, है ना। ये पॉलिटिकल कॉज गलत है। दूसरा सोशल कॉज, डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। सोशल कॉज हमारे इंडिया के अंदर क्या सोशल कॉज था पुराने जमाने में, अगर आपको पहले भी मैंने बताया हो तो मैंने बताया था, सबसे पहले सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, उसके ऊपर होते थे क्षत्रिय, फिर होते थे आपके वैश्य और फिर होते थे आपके शूद्र। ऐसी कैटेगरी थी ना पहले हमारे इंडिया के अंदर शूद्र करके। तो आप देखोगे कि इंडिया में ये कैटेगरी भी खराब बोली गई थी आने वाले समय में, और प्रेजेंट टाइम पे तो खैर इसको अप्लाई नहीं करा जाता है आजकल, जनरल ओबीसी एससी ये सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है। लेकिन फ्रांस की सोसाइटी जब थी ना, तो फ्रांस की सोसाइटी में सेम यही डिवीजन था कि पहले स्टेट अलग था, सेकेंड स्टेट अलग था, थर्ड स्टेट अलग था, और ये सारे स्टेट्स में सिर्फ क्लर्जी और नोबेलिटी जो होते थे वो प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करते थे। और प्रिविलेजेस मैंने पहले ही बता दिए, बहुत सारे विशेष अधिकार, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट स्टेट के लोग राजा को टैक्स नहीं देंगे, फर्स्ट स्टेट के लोग तीथ नाम का टैक्स जो था जो किसानों से लेते थे वो ले लिया करते थे, सेकेंड स्टेट के लोग नोबेलिटी क्लास वो भी राजा को टैक्स नहीं देते थे और लग्जीरियस लाइफ जिया करते थे। और इनके ही ज़मीनों के अंदर जो बेचारे कुछ गुलाम किसान होते थे वो इनको ज़मीनों में काम किया करते थे। जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को देखें हम लोग, तो किसान को घर खेतों में सेनाओं में सड़कों के निर्माण करने में
नोबेलिटी और जो पादरी ग्रुप होते थे उनके सबको सेवाएं प्रदान करने में पूरा जीवन बीत जाता था। तो ये एक तरीके से सोशल रीजन हुआ जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर क्रांति हो जाती है। क्योंकि सोशल के बाद आता है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना फिलअप करना है आप लोगों को, अगर खराब हार्वेस्ट होगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय द ब्रेड, और फिर अगर खराब मतलब खेती होगी तो वो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर एक डिजीज फैल जाएगी। तो ये एक मैप दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, आई थिंक दिस ईयर है कि नहीं, पर लास्ट टू लास्ट ईयर ही दे रखा था। पर इकोनॉमिक फैक्टर का डायरेक्टली रीजन है खाने से। अगर आप इकोनॉमिक पैसे का देख रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जब कुछ उग ही नहीं पा रहा है तो बेचेंगे कहाँ से, और बेचेंगे तो फिर पैसा आएगा कहाँ से। तो इकोनॉमिक फैक्टर में मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्शन गेन जो था, जो पैदा होने वाली फसलों की पैदावार थी, वो बहुत रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि वॉर के टाइम पीरियड पे किसानों को अपना सारा अनाज वॉर के जितने भी लोग होते थे उनको भेजना पड़ जाता था, और इसी वजह से आप कह सकते हो कि उस कंट्री के अंदर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वाह संकट, यानी कि खाने की कमी हो गई। और जब खाने की कमी हो गई तो राजा जो जनता से टैक्स लेता था वो टैक्स लेना भी राजा ने बंद नहीं करा, और इवन क्लर्जी जो टीथ नाम का टैक्स लेते थे वो भी बंद नहीं करा, और ऊपर से खाने वाली चीजें पैदा नहीं हो पा रही किसान के पास, तो किसान बेचेगा पहले, बेचने के बाद जो टैक्स दे पाएगा, लेकिन वो टैक्स भी नहीं दे पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो आप एक कह सकते हो कि एक्टिविटी 4 को अगर आप फिलअप करके देखो तो क्या क्या हो रखा है वो आप इसमें समझ जाओगे। अब इसकी वजह से क्या होने लग गया, इसकी वजह से धीरे 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 जो बड़े वर्ग के लोग थे, जो बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, कोर्ट ऑफिशियल थे, लॉयर थे, कर्मचारी बड़े बड़े थे, इन सभी लोगों ने कहा कि भैया ये जो मिडिल क्लास है ये थोड़ा सा वेल्दी क्लास था, थोड़ा सा प्रोफेशनल क्लास था, लेकिन थर्ड कैटेगरी के अंदर ही आता था। तो इन्होंने यही कहना चालू करा कि भैया हम लोगों को टैक्स क्यों देना पड़ रहा है, ऐसे तो हम लोग पिसते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे, और जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय करते रहेंगे और उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। सो दैट इज़ वाई ये टर्निंग पॉइंट बना किन लोगों के लिए, ये टर्निंग पॉइंट बड़ा बना बड़े व्यवसायी लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, और इन्होंने क्वेश्चन उठाने चालू करे। 18th सेंचुरी जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, यानी कि 1789 में तो खैर रिवॉल्ट हो ही गया था, लेकिन उसकी बैकएंड की स्टोरी जो थी वो 1764 में, 1774 में जैसे ही राजा की अपॉइंटमेंट होती है तो उसके बाद पूरा 360 डिग्री का बदलाव इस क्लास के द्वारा हुआ। फ्रेंच भाषा में इस क्लास को बुर्जुआ क्लास कहते हैं, बुर्जुआ क्लास। ये वैसे तो ये आपके स्कूल के टीचर्स भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्कूल के टीचर से पूछना कि थर्ड कैटेगरी के अंदर बुर्जुआ क्लास कौन सी होती है, ये बुर्जुआ क्लास थी जो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर एजुकेटेड पीपल हो गए। इन्हीं एजुकेटेड पीपल ने पूरी तरीके से सोशल ग्रुप बनाया, मिडिल क्लास के लोगों ने बताया कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग पहले से फ्रेंच क्या कहते हैं आपकी कौन सी रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका था ना फ्रांस से पहले, मैंने पहले बताया था अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका था। तो उन्होंने कहा यार अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दे रखे हैं यूएस के सिटीजन्स ने, तो हमारे इंडिया के अंदर, मतलब सॉरी हमारे इंडिया कह रहा हूँ, हमारे फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं है। तो ये बुर्जुआ क्लास ने कहना चालू करा, इसी वजह से उन्हें मानना पड़ेगा कि जो फ्रेंच सोसाइटी है उसके अंदर फ्रीडम, इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे जो फिलोसोफर्स आए उन्होंने नई नई बुक्स लिखनी चालू करी, और यही बुक्स जो इन लोगों ने लिखी यही फ्रांस की क्रांति का टर्निंग पॉइंट बना। बुक्स क्या लिखी दोस्तों, लॉकी, जॉन लॉकी बोलते, जॉन लॉक बोल दो। इन्होंने बुक का नाम रखा टू ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क। इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो राजा अपने आप को भगवान बोलता है अपने सिद्धांतों के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यहाँ पे, जो राजा के पास पूरी शक्ति है वो भी बिल्कुल गलत है। ट्रू ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट में बताया जाता है कि जनता और राजा के बीच में एक तरीके से संधि होती है, लेकिन यहाँ तो फ्रांस में हो ही नहीं रहा। और जब ऐसी ही बुकें बुर्जुआ क्लास के लोगों ने पढ़ी और नॉर्मल क्लास के लोगों तक पहुँची, तो वहाँ से फ्रांस के लोग थोड़े से समझदार होना चालू हो गए। दूसरी बुक है आपकी, वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जनता और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मॉन्टेस्क्यू की बुक लिखते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज,
द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बताया जाता है कि किस तरीके से राजा जो मोनार्क है, जो एब्सोल्यूट पावर अपने पास रखता है, ये एब्सोल्यूट पावर राजा के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पावर को तीन कैटेगरी यानी कि जुडिशरी, जो आज हमारी इंडिया के अंदर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके बीच में इन पावर को बांट देनी चाहिए। सो, इस हिसाब से जब बुर्जुआ क्लास ऐसी किताबों को प्रिंट करवाते हैं, फ्रांस में प्रिंटिंग कल्चर आ जाता है और उसके बाद टाइमलाइन चेंज होता है। देन फाइनली आपने एनसीईआरटी का पहला पेज जब खोला था तो आपने देखा कि बेस्टाइल पर अटैक हो गया था, उसके पीछे की ये कहानी हो सकती है। एनसीईआरटी में बहुत डीपली और अच्छी बातें बताई गई है। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थर्ड पार्ट में जल्दी मिलेंगे। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप पे मिलने वाली है, जिसमें हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।